हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और मेरे चैनल मार्वलस मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्राइडे और जैसा कि आप सब टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं थोड़ी नर्वस हूं। समझ में नहीं आ रहा कि आ कैसे करूं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं अपनी पूरी। तो आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं मेरे किचन के टूर से। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी बातों में चलिए चलते हैं सीधा मेरे किचन में। तो स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। तो ये देखिए, किचन में घुसते ही सामने मेरा किचन प्लेटफॉर्म पड़ता है जहाँ मैं कुकिंग करती हूँ, और ये मेरा कुक टॉप रखा हुआ है। इस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, दूध भगोने में रखा हुआ है। कुक टॉप के लेफ्ट साइड में ही सिंक दे रखा है, और ये देखिए मेरे बर्तन वॉश करके पड़े हुए हैं, मैंने सेट नहीं किया है इसको। और सिंक दे रखा है, सिंक के ऊपर ही मैंने आरो लगाया हुआ है। और ये विंडो है, यहाँ से कितनी सनलाइट आ रही है, वेंटिलेशन भी अच्छा होता है। सॉरी, सनलाइट आ रही है, इसको कैमरा ले नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और ये मेरी फ्रिज रखी हुई है जो कि बिल्कुल एंट्रेंस के बगल में ही रखी हुई है, किचन में ही रखी है मैंने अपनी फ्रिज, और बगल में आलू प्याज की बकेट रखी हुई है। और ये मेरा किचन का एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर के जस्ट पीछे ही मैंने बर्तन की अलमीरा लगवा रखी है, और इसमें मेरे सारे बर्तन अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। और ये मैंने डोर के पीछे कुछ शॉपिंग बैग्स टांग रखे हैं, जहाँ मेरे ये देखिए मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज और क्लीन रखा हुआ है अपनी बर्तन स्टैंड को। और साथ में ये बड़ा सा सेल्फ दे रखा है जिसमें कई सारी सेल्फ हैं, और जिससे मेरा सारा सामान सेग्रीगेटेड रहता है। ऊपर कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं जो शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे काम आते हैं। और साइड में ये मैंने पानी का मटका लगाया हुआ है, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं मटके का पानी पीना ही पसंद करती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार काम में आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत लगती है इनकी किचन में, हर बार तीनों टाइम ज़रूरत लगती है एक्चुअली। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा चकला रखा हुआ है, ये मेरा फूड प्रोसेसर है, ये दो कंटेनर्स हैं ऑयल के, एक में मस्टर्ड ऑयल है, एक में राइस ब्रैन ऑयल है, और ये ऊपर एक घी का कंटेनर रखा हुआ है। यहाँ स्पून्स हैं, सॉल्ट हैं, यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, ग्रीन टी वगैरह, हनी, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पे भी सॉस वगैरह, चटनी वगैरह का सॉल्ट, स्पून, नाइफ, सारी लाइटर वगैरह, और ये मेरी छोटी सी ओखली, इसमें इलायची, काली मिर्च और अदरक, ये सब कूटती हूँ मैं। मुझे फ्लावर्स का बहुत शौक है, तो मैंने ये अपने माइक्रोवेव के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर रखा हुआ, पॉट रखा हुआ है। ये मिठाई का डब्बा है, और यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें रख रखी हैं जो मुझे काम आती हैं बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि ये जैम है, ये कैचअप है, ये वेनेगर है, बस इसी तरह की चीज़ें। तो बस मैंने अपना कुक टॉप इसी तरह से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। सीधे कुक टॉप के नीचे ही दे रखा है ये सेल्फ, जहाँ पे मैंने स्टील के कुछ कंटेनर्स रख रखे हैं, एक में आटा है, एक में चावल है, ये दोनों बड़े वाले कंटेनर जो हैं। और ये देखिए करवा रखा हुआ है मेरा, करवा चौथ का कहते हैं इसको, नहीं हटाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ, मेरे पास बस इतने ही स्टील के कंटेनर हैं। एक्चुअली मैं स्टील के कंटेनर ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, बिकॉज उसमें सामान रख दो और आप भूल जाते हो और फिर वो अंदर पड़ा ख़राब हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट डब्बे ही पसंद करती हूँ। उसके बगल में, जस्ट बगल में एक सेल्फ और दे रखी है, जो कि मैंने अपना पिकल स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरे सारे सभी तरह के पिकल रखे हुए हैं, अमचूर पाउडर और ये सब भी रखा हुआ है।
सभी तरह के पिकल हैं। ये बड़ी वाली बर्नी में तो मेरा मैंगो पिकल है, फिर लेमन पिकल है, लेमन का खट्टा मीठा दोनों ही तरह का पिकल है, और इधर भी कुछ तरह के स्पाइसेस और चिली पिकल और लाल मिर्ची का पिकल, ये सब मुझे पिकल का बहुत शौक है। ये सिलेंडर दे रखा है, यहाँ सिलेंडर रखा जाता है, तो ये डोर क्लोज नहीं होता बिकॉज इन्होंने पाइप देने के लिए कोई अलग से कोई जगह नहीं दी है, मुझे ये सीधा ही पाइप डालनी पड़ती है इसलिए डोर क्लोज नहीं होता। और ये मेरी एक और सेल्फ है जिसमें मैंने दालें वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं, और ये सारे मसाले वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करके जिसमें मैंने लेबल भी लगा रखा है डब्बों के ऊपर। और ये ग्रीन कलर के डब्बे में मेरे कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो अभी रिफिल करने हैं मुझे, तो मैं इसमें ही स्टोर कर देती हूँ। बस बगल में मेरे ऐसे ही, तो बगल में ये एक कवर्ड और आती है जो कि ये सीधा से कह लीजिए कि मेरा एक स्टोर रूम टाइप का है जिसमें मैंने अपने रैंडम सब स्टफ्स डाल रखे हैं, जैसे कुकर है, कुछ बॉटल्स हैं, कुछ पैकेट्स हैं किचन के, ग्रॉसरी के, और भी काफ़ी सारे सामान हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आप सबको। ये सेल्फ है एक्चुअली मेरी, इसमें मैंने कप ग्लासेस वगैरह रख रखे हैं, इवनिंग स्नैक्स अपने रख रखे हैं, और ये मैंने रोज़ सिरप और बॉर्नविटा वगैरह रख रखा है, और ये ऊपर भी कुछ कुछ सामान रख रखा है, चिप्स पापड़ और मसाले वगैरह ये सब रख रखा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आप सबने मैंने अपना किचन किस तरह से सेट किया हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम हमारा लेडीज़ का तो किचन में ही बीतता है, दिन के 3 से 4 टाइम तक हम किचन में ही कुकिंग करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, और बीच में भी हमें कुछ ना कुछ बच्चों की फरमाइश पे बार बार किचन में जाना पड़ता है। तो कहने की बात ये कि मैक्सिमम टाइम हमारा किचन में ही बीतता है, तो किचन अगर नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है तो हमारा टाइम भी कम लगता है और हमारा काम में मन भी लगता है। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश आप सबको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मैं आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर मेरा ब्लॉग आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं हम आप सबसे फिर से एक नए ब्लॉग में, नए समय पे, नए दिन पे। तब तक के लिए नमस्कार।